नमस्कार दोस्तों, आज का हिंदी अखबार का जो कि कोलकाता से पब्लिश हुआ है उसका फर्स्ट पेज का हेडलाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। हर रोज ये वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके आपका सुझाव दीजिए और पुराना वीडियो देखने के लिए। तो ये वीडियो का अंत में एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए। तीन अखबारों का पहला पेज का हेडलाइन पढ़ूंगा। तो यह है सनमार्क, वर्तमान पत्रिका और प्रभात खबर। तो शुरू करते हैं सनमार्क से। आईसीएससी और आईएससी में बंगाल का बोलबाला। आईसीएससी में पूरे देश में संभावित प्रथम में पूर्व बर्धमान से संबित। आईएससी में प्रथम टॉपर्स में शुभम अग्रवाल और मन्ना गुप्ता। यह है पहला खबर सम्मान का। दूसरा खबर है एक बार पूर्व में करंट लगने से माँ बेटी की मौत। भीगा कपड़ा सूखा रहे दामाद को बचाने के दौरान माँ बेटी आई चपेट में। यह है दूसरा खबर। एक तो एक्सीडेंट हुआ एक बार पूर्व में। और तीसरा खबर जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय में सीबीआई का तलाशी अभियान। कल सीबीआई के 5 अधिकारी परिषद का कार्यालय में ऑफिस में गया था संडे में, उसी का खबर है। कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किया था। अच्छा, उसका बाद जब जो खबर है शेरपा ने 26वीं बार किया एवरेस्ट फतेह काठमांडू। काठमांडू से खबर के नेपाल का एक शेरपा जो 26 बार एवरेस्ट को स्केल किया है। तो ये पहला एक तो रिकॉर्ड था और एक शेरपा का जिसका बराबरी कर लिया। ये हो गया। उसका बाद का खबर है कर्नाटक में 18 मई को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। विधायकों ने नेता का चयन करने के लिए खागड़े को अधिकृत किया घोषणा काल। खागड़े कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनको एम्पावर किया गया और काल घोषणा होगा कौन विधायक दल का नेता होगा, क्या होगा, सब काल ठीक होगा। ये खबर है कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद होंगे सीबीआई के अगले निदेशक। 25 दिसंबर संभालेंगे नई जिम्मेवारी। 2 साल का होगा कार्यकाल। कर्नाटक का जो डीजीपी है मौजूदा डीजीपी प्रवीण सूद, वो उनको सीबीआई में डायरेक्टर के रूप में देखा जाएगा अगला 25 तारीख से। और उसके बाद जो खबर है मानवता हुई संसार। बेटे का लाश बैग में डाल पिता ले गए घर। एम्बुलेंस के लिए नहीं थे पैसा। ये खबर है सनमार्क का। सनमार्क का खबर खत्म हुआ। उसका बाद है वर्तमान पत्रिका। उसका पहला खबर है आईसीएससी और आईएससी का रिजल्ट घोषित। 10वीं में 98.94% व 12वीं में 96.93% पास। मेरिट लिस्ट में शीर्ष पर राज्यों से 3 परीक्षार्थी। ये खबर है पहला खबर। दूसरा खबर है 18 को कर्नाटक की बागडोर संभालेंगे कांग्रेस। सिद्धरमैया के सिर ही सजेगा ताज। फॉर्मूला जीत का। डी शिव कुमार बनेंगे डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री। पद नहीं पार्टी अहम का मंत्र और शिव कुमार के उदाहरण को सामने रखकर राजस्थान छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में उतरेंगे कांग्रेस। ये एक तो खबर है। दूसरा खबर और जो खबर है केंद्र का असहयोग फिर भी 1.30 करोड़ का रोजी दे गया राज्य। 47 लाख नियोजित 6 माह में और 83 लाख को रोजगार। मुख्य सचिव का
प्रत्येक विभाग का सचिव को काम में तेजी लाने का निर्देश, स्वनिर्भर बांग्ला, ये एक तो योजना लिया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको ही अनाउंस किया गया। और जो खबर है अभय दान, कर्नाटक में नई सरकार गठन के पूर्व सीबीआई चीफ बनाए गए डीजीपी सूद, सजा से पहले मिल गया तोहफा, सियासी चाल, ये एक तो खबर है। लास्ट खबर जो है वर्तमान का, और उसका बाद है प्रभात खबर। सीआईएससी ने जारी किया रिजल्ट, लड़कियों ने 10वीं और 12वीं में मारी बाजी, बंगाल से आईसीएससी में संबित और आईएससी में शुभम व मानना टॉपर। दूसरा है गुम या चोरी हुई मोबाइल फोन को आप कर सकते हैं ब्लॉक या ट्रैक, तो नया टेक्नोलॉजी आया, तो वेबसाइट का नाम दिया है यहाँ www.ceir.gov.in, ये वेबसाइट में जाके इसको ब्लॉक कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। और उसका बाद का जो खबर है चक्रवात मोचा बंगाल व म्यांमार में तटों से टकराया, ये जो मोचा का बात कुछ दौर से चल रहा था वो उसका लैंडफॉल हो गया, उसी का बारे में बोल रहा है। उसका बाद जो खबर है इकबालपुर, कारण की चपेट में आए दामाद को बचाने में माँ बेटी की हुई मौत, घटनास्थल पर पहुंचे मेयर, एक तो खबर है। और जो लास्ट खबर है प्रभात खबर का, कोलकाता पुलिस को 100 नंबर पर फोन करने पर जल्द मिलेगा रिस्पांस, आप गली मोहल्ले में बाइक से तुरंत पहुंचेगी पुलिस, एक तो योजना लिया गया जैसे कि रिस्पांस बहुत फास्ट हो पुलिस में, कलकत्ता का पुलिस में, यही खबर है। तो बस इतना ही, आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।